इस ब्रेक के बाद जैनब से और उनके केक से आपको मिलवाएंगे। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे हमारा ये जो बच्चों का सेगमेंट होता है, जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि जी बच्चों का सेगमेंट नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि इसमें ऐसे ब्रिलियंट बच्चे आते हैं और इतने मजे मजे के अंदाज में हमें चीजें सिखा जाते हैं कि हमें तो कभी कभी लगता है कि ये बड़े हैं और हम इनसे सीख रहे हैं। यही इस सेगमेंट का, इस सेशन का साथियों मकसद भी है कि हम इस स्टीरियोटाइप को भी तोड़ें कि बड़ों ने ही बच्चों को बताना है, सिर्फ बड़े ही इल्म का खजाना है और बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है। कई बार बच्चे हमें ऐसी चीजें बता और सिखा जाते हैं जो शायद हमें एक अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए बहुत अहम होती हैं, और इसकी एक नहीं बहुत सी मिसालें हमारे इस शो के अंदर मौजूद हैं, जिनको अब भी YouTube पे जाके आप सर्च करते हैं, इंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आज हमने एक दिन सोचा कि चॉकलेट केक खाने का दिल कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं अपनी क्लास फेलो ज़ैनब को अपने शो में बुलवाऊं। क्या हाल है ज़ैनब? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि आप बेकिंग करती हैं? हाँ जी। कैसे आपको, किसके साथ करती हैं, किससे सीखती हैं, किचन में कौन आपके साथ काम करता है? ज्यादातर मम्मा करती हैं। अच्छा, और वो जो केक बेक करने वाली आंटी हैं वो भी? हाँ जी। उनसे भी सीखते हैं? और हाँ। बाबा भी हेल्प करते हैं या नहीं करते? कभी कभार कर लेते हैं। कभी कभार कर लेते हैं। अब बाबा सामने वो कैमरे के पीछे बैठे हुए ना, इसलिए देख के कह रही है कभी कभार कर लेते हैं। बाबा बाद में ये ना कि मेरा तुमने नाम नहीं लिया टीवी पे, है ना? अच्छा जी ये बताएं कि ये जो केक है ये कौन सा केक है जो आप बना के लाई? ये चॉकलेट केक है। चॉकलेट केक है। ये देखें जी, ये ज़ैनब हमारे लिए खुद बना के लाई है और ये अब आपको कैमरा दिखाने लगे। इस पे क्या लिखा हुआ है? ब्रेकफास्ट एट होम। ब्रेकफास्ट एट होम। और इस केक के साथ हम ब्रेकफास्ट आज करेंगे और नीचे ज़ैनब भी लिखा हुआ है और ज़ैनब अपना नाम एक्स लिखती है ना? वेरी नाइस। अच्छा जी इसकी जरा बताओ ये कैसे बनाया ज़ैनब? ये मैंने फ्लावर डाला, इसमें ऑयल डाला और मैंने शुगर डाली। शुगर, ऑयल और मैदा, ठीक है? और फिर वार्म वाटर और एग डाला। अंडा भी डाला और नीम गर्म पानी भी डाला, ठीक है जी? इतना नीम नहीं क्योंकि वो फिर इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। हाँ इतना नीम भी नहीं, ज़ैनब कह रही है इतना नीम भी नहीं। हाँ कम नीम, ठीक हो गया। फिर क्या किया इन सब चीज़ों को? फिर उनको थोड़ी देर के लिए रखा, फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले, कॉफ़ी, मैदा और उसके अंदर मैंने और चीनी डाली। ठीक है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले, ठीक है? ड्राई इंग्रेडिएंट और फिर वेट इंग्रेडिएंट्स को ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे डालो, उनको मिक्स करके और ग्लेस पेपर लिया और केक का मोल्ड के अंदर डाल दिया। और फिर उसके अंदर आपने क्या किया कि आप उस ग्लेस पेपर पे ऑयलिंग करो, ग्लेस पेपर के वो मोल्ड के अंदर जो ग्लेस पेपर होगा आपने उसके अंदर सारा डाल देना, फिर उसको 35 मिनट्स के लिए आपने ओवन में रख देना है। 35 मिनट्स के लिए? और अगर 40 कर दिए तो क्या होगा? जल जाएगा। नहीं नहीं भाई, जलाना नहीं है। और अगर 35 की जगह 20 कर दिए तो क्या होगा? तब बनेगा ही नहीं, हल्का हल्का कच्चा सा रह जाएगा। सो 35 मिनट्स के लिए उसको बेक किया, बिल्कुल ठीक। और जब निकाला तो वो फ्रेश हो गया था, उसको वो स्पंजी हो गया था और यमी यमी हो गया था। और फिर खाया? नहीं नहीं, आप लोगों के लिए लाना। फिर खाया नहीं, फिर आप लोगों के लिए लेके आई। वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ ज़ैनब कि इसके ऊपर ये ब्रेकफास्ट एट होम ये कैसे लिखा है यार, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई, इस तरह चक्कर बताओ हमें क्या है। इसके ऊपर आप क्रीम से भी लिख सकते हो, मिक्स क्रीम और व्हिप्ड क्रीम से भी लिख सकते हो। अच्छा क्रीम से लिखा हुआ है? नहीं, फाउंडेड। फाउंडेड से लिखा हुआ है, इसको खा सकते हैं? ओह मैं इतनी देर से समझ रहा था कि वो जो प्लास्टिक के बाजार में मिलते हैं ना ABCD, वो लेके ज़ैनब ने लगाए हुए, तो ये मैं खाऊंगा कैसे? नहीं ये एडिबल है। एडिबल है, आप खा सकते हो। पहले आपके पास फाउंडेड डो होती है, फिर आप उसके अंदर सब कुछ वो आपको जो भी लेटर्स लिखने होते हैं ABCD, तो आप उसको करते हो।
अच्छा ये बताएं कि अभी मेरा एक इसमें से एक खाने का दिल कर रहा है, कौन सा वाला खाऊं? BREAKFAST@home कौन सा? कोई सा भी खा लो। हाँ। नहीं यार मेरा ये फूल खाने का दिल कर रहा है, ऑरेंज वाला। ये खा सकता हूँ मैं? हाँ जी। ठीक है जी, ये ऑरेंज वाला फूल जो है, यार मुझे केक से ज्यादा तो ये मजे का लग रहा है। वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं कि जब आप किचन में मामा के साथ काम कर रही होती हैं तो किन किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है? कि आपने, अगर रूल नंबर वन तो आपका सबसे जरूरी है कि आपने हेयर पहले ट्राई करने हैं कि आपके हेयर बाल खाने में ना जाए। आपके बाल ट्राई हुए में हो कि बाल जो है वो खाने में ना गिर जाए। ये बेकिंग का या कुकिंग का पहला उसूल हमें बता रही हैं ज़ैनब। और क्या क्या चीजें हैं जनाब? और फिर हमने एप्रन पहना और अपने हैंड वॉश करने। दो और उसूल हमें बताए कि हमने कोई एप्रन पहनना है ताकि कोई छींटे, कोई खाने की चीज उड़ के आपके कपड़ों को ना लग जाए, और कपड़ों पे अगर कोई चीज लगी भी है तो वो खाने में ना चली जाए। तो एप्रन बांधना है कपड़ों के ऊपर। और दूसरी चीज ये कि हमने हैंड वॉश करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों जब भी किचन में जाएं और आप कोई चीज काटने लगे, सब्जी काटने लगे या बेकिंग करने लगे ज़ैनब की तरह, हाथ अच्छी तरह साबुन से धोने बहुत जरूरी है। और जी मैं नूडल्स बनाती हूँ मम्मा के साथ, चाय भी बना लेती हूँ। चाय भी बना लेती हूँ, नूडल्स भी बना लेती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा भी दो चीजें मैं भी अब ज़ैनब के ना इस लिस्ट में ऐड करना चाहूंगा, और वो ये है कि बच्चों और बड़ों सबको आपके जो कपड़े हैं किचन में जब आप काम कर रहे हो, तो जैसे हमारे लिबास के अंदर खवातीन का दुपट्टा होता है, इन चीजों का ख्याल रखना है कि कहीं दुपट्टा आग ना पकड़ ले। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो उसको आपने कमर से बांध लिया या पीछे उसको टाई कर लिया है, है ना? तो या आप उसको हैंग कर लो और एप्रन पहन लो। वेरी गुड आइडिया कि किचन में दुपट्टे को आप हैंग कर लें और एप्रन पहन लें ताकि खुदा ना खास्ता आग ना पकड़ सके। और वैसे भी ज़ैनब अब जो है ना एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि किचन में जब काम करना हो ना तो ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो फौरी तौर पर आग को पकड़ लें, मसलन सिल्क का कपड़ा ना हो। नेट भी नहीं पहनना चाहिए, नेट बहुत डेंजरस होता है, वो आग पकड़ लेता है और फिर वो जल जाता है। आग पकड़ लेता है और वो जल जाता है, नेट भी नहीं पहनना चाहिए। और कौन सा वो कपड़ा होता है जी जो बहुत ज्यादा जल्दी आग पकड़ता है? नायलॉन, नायलॉन रिलेटेड फैब्रिक्स जो है वो नहीं पहनने चाहिए। अच्छा एक और चीज वो ये कि जब आप किचन में बेकिंग करें तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हाथ तो आप धोएं लेकिन आपके जो नेल्स हैं या तो वो कटे हुए हों, और अगर आपने फैशन भी तो ख्वातीन ने करना होता है ना ज़ैनब, वो जरा नेल पॉलिश, तो अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो मेक श्योर कि वो अच्छी तरह से बच्चों साफ, नेल साफ करके आपने बेकिंग करनी है। और कोई पॉइंट रहे तो नहीं क्या? है ना बताओ ना। अगर आप बेकिंग कर रहे हो तो आपने सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने हैं, अगर आपकी आप कोई स्टिकी चीज पकड़ रहे हो तो आपने ग्लव्स पहने। वेरी गुड आइडिया कि आपने जैसा आप उसको मिक्सचर को बना रहे हैं, हाथ से उसको गूंद रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपने ग्लव्स पहनने हैं ताकि सफाई सुथराई का सही तरह से ख्याल रहे। वेरी गुड। और मैं अपनी कजन्स के साथ भी बनाती हूँ केक्स, कॉर्न, स्वीट कॉर्न भी घर पे अब बना लेती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जनाब बच्चों को बेकिंग और इन चीज़ों में अगर शौक है तो उनको इनकरेज करें, लेकिन किचन की सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद है कि डॉक्टर मुनव्वर यहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने फर्स्ट एड के हवाले से बात की थी, और हमने ये जाना था कि किचन के अंदर बच्चों के साथ होने वाले हादसात जो हैं उसकी शरह बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। उसकी वजह यही है कि हम बच्चों को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं किचन के अंदर। सो ज़ैनब जैसे बच्चे जो हैं जिनको शौक है किचन में काम करने का, ज़रूर उस शौक को उसको इनक्रेज कीजिए, लेकिन ये जहन में रखें कि आग, गर्म पानी, इन सब चीज़ों से बच्चों को अपने सेफ और सिक्योर रखना है। ज़ैनब थैंक यू वेरी मच। अब हम खाएंगे ये केक चॉकलेट का, ब्रेकफास्ट एट होम का। गुड शो, जीते रहें आप। हम चल करेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर यहाँ ब्रेक, और इसके बाद डॉक्टर नौशीन हमें मीग्रेन या माइग्रेन कुछ भी कह लीजिए उसको डाइट के जरिए कंट्रोल करने की दो तीन टिप्स देने वाली हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं।
Justin.